everyone, namaste. This is Tanya Ghosh and you are watching my YouTube channel. मेरे बालों को देख रहे हो, like it's, I know it's very lengthy. बहुत लंबा हो चुका है, एकदम कमर तक, कमर को भी क्रॉस कर चुका है, ऑलमोस्ट मेरे बम तक आ चुका है. आई लाइक लॉन्ग हेयर एज मच एज आई लाइक शॉर्ट हेयर. तो अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा अपने बालों को ठीक करते हैं, बिकॉज इट्स ड्राई एट द एंड, यू नो. देखो, जस्ट लुक एट इट, दिस इज़ नॉट माई हेयर. कोई बोलेगा नहीं ये मेरे बालों का एंड है. तो इसीलिए मैं सोची कि आई विल कट इट शॉर्ट एंड आई एम ऑल्सो गोना डू स्पा टुडे. तो मैं सोची कि आप लोगों को तो पता ही चल रहा है कि व्हाट आई डू. एंड पिछली बार जब मैंने कलर किया था, स्ट्रेट किया था अपने बालों को घर पे ही, दैट टाइम आई गॉट मैसेजेस कि प्लीज़ हमें वो वीडियो दिखाओ. बट अनफॉर्चुनेटली मैंने तो व्लॉग नहीं किया था. दैट वॉज बिकॉज कि बहुत ज़्यादा मेसी था. खुद अकेले सब कुछ घर पे करना इज़ डिफ़िकल्ट एंड आई प्रेफर डूइंग एवरीथिंग एट होम, बिकॉज मुझे ना ट्रस्ट इशूज़ है. ओके, आई कैन नॉट ट्रस्ट माई हेयर विद पीपल अनटिल एंड अनलेस आई नो देम. जब मैं अंडमान में थी, मेरी सिस्टर, मेरी कज़िन श्वेता, शी यूज़ टू डू माई हेयर. बट अभी यहाँ पर कोई नहीं है, सो आई एम गोइंग टू डू इट बाई माई सेल्फ. एंड मैं कलर भी करूँगी बट नॉट टूडे. आज सिर्फ हेयर कट कटिंग एंड स्पा होगा. मैंने ना अपने बालों को बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर किया है, इसीलिए ये इतना डैमेज्ड है एंड में. आई डिड ऑल पॉसिबल कलर्स, पिंक, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, मतलब और कुछ बाकी नहीं रहा है शायद. एंड आई ऑल्सो डिड ब्लॉन्ड लॉन्ग बैक. तो इसीलिए आई थॉट कि अभी मैं थोड़ा ब्राउनिश शेड में जाने वाली हूँ. बट आज सबसे पहले तो मैं बाल काटूंगी, आई विल डू इट शॉर्ट. लेट्स सी कि कितना लेंथ का कटते हैं. और मुझे ना ये बाल कटवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, क्योंकि माय मॉम एंड डैड लव हेयर. ओके, दे लव लॉन्ग हेयर, ब्लैक हेयर. मेरे पापा को बहुत, एक हफ्ता तक मैं कन्विंस ही कर रही थी कि प्लीज़ मैं बाल काट लूँ, प्लीज़ मैं बाल काट लूँ. एंड अभी जाके वो कन्विंस हुए हैं कि ठीक है, गो गो फॉर इट, इतना बोल बोल के. तो इतना सुनहरा मौका मैं नहीं जाने दे सकती हूँ. तो आई थॉट कि आज के दिन ही बाल काटते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो मैंने ये टी शर्ट पे चेंज कर लिया है. आई विल टेल यू व्हाट्स द एक्चुअल लेंथ ऑफ माय हेयर. दिस इज दिस, एंड जो कि बहुत ही डैमेज्ड लग रहा है फिलहाल. लेट मी गेट द सीजर. कितने तक काटूँ, पूरा इतना काट दूँ? मुझे बिल्कुल ही स्ट्रेट कट चाहिए. आई डोंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ लेजर लेयर, ऐसा कुछ भी नहीं करना है मुझे. So once I'm done with it, I am going to check the length कि मुझे कितना रखना है. I was thinking to cut up to this much, फिर मैं सोची कि साड़ी के साथ शायद अच्छा ना लगे. तो first I'm going to cut this much. Let's do it, Tanya. Let's do it. It feels good. Okay. Next, I'm gonna do this side. Bye bye, damaged hair. I feel so good. I feel so good. Should I cut it even more, or this is better and fine? I don't know. ये एक लंबा और एक छोटा तो नहीं लग रहा? लग रहा है? वाव, आई फील सो गुड, आई कैन पुट ऑन अ हाई पोनीटेल. ओके, सो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कॉम माय हेयर फर्स्ट एंड देन पुट इट अपसाइड डाउन.
So I'm gonna hold it like this. Once I'm done, I'll again choose ki mujhe kitna length aur katna hai. So think main fir se itna katne wali hu. Just pray ki thoda zyada chota na ho jaye. Okay, I'm gonna chop it off from here. So once I'm done doing that, I'm again gonna hold my hair. ताकि यू नो एक स्ट्रेट कट ना रहे. अभी भी मेरा मन कर रहा है कि और छोटा कर दूँ मैं. Oh God, but I think this much is good. और काटू क्या? Okay, so now this is how my hair looks. I can't tell you how happy I feel. This is just so good. Love it. I love it. And it looks so healthy. Let me show you the end. This is healthy hair. I love the length also. और मुझे कमेंट में लिख के बताना कि मैंने अपने बाल कैसे काटे. हाउ डज इट लुक? इफ इट लुक्स गुड ऑन मी और नॉट, एंड डू यू लाइक इट और नॉट. अब आया है हेयर स्पा की बारी, एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज दिस लॉरियल प्रोफेशनल हेयर स्पा, एंड दिस इज द प्रो केरेटिन लेस अनलिमिटेड. दिस इज फॉर इंटेंस स्मूदनिंग फॉर रिबेलियस हेयर, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू यूज दिस हेयर स्पा. तो लेट्स डू इट. एंड इसका लगाने का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है. सो इट्स गुड इफ़ यू डू शैम्पू एंड देन टॉल ड्राई योर हेयर. जस्ट पैट ड्राई इट एंड देन अप्लाई इट फॉर 3 to 5 minutes एंड देन यू आर डन. वॉश इट ऑफ एंड यू आर डन, एंड देन यू गेट योर स्मूथ सिल्की मैनेजेबल हेयर. सो आई एम गोइंग टू गो टेक बाथ एंड पुट द स्पा, एंड फिर मैं आके आपको अपना फाइनल हेयर लुक बताती हूँ, एंड आई मीन दिखाती हूँ कैसा लगता है. सो आई विल जस्ट गो क्विकली हैव बाथ. But I can't get over this haircut. I have done fab job, Tanya Ghosh, fab job. This is really good. Okay, without getting late, I'll just go take bath, do the spa, and come back to you. I am back after the spa and the blow dry, और मैं इतनी सज धज के ready हूँ इसलिए क्योंकि मैं कर रही हूँ shooting, and this is the hair after wash, after the spa and blow dry. Oh, it looks so healthy. I just can't get over it. आपको मेरी खुशी पता चल जाए, है ना, है ना, है ना. And this looks so good. I love it. तो अभी मैं सोची कि फिल्मिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आके आपसे बात कर लेती हूँ और अपना हेयर दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी फिल्म करने के बाद आई डोंट नो मेरे बालों का क्या कंडीशन रहेगा. And I wanted to show you my fresh, newly cut hair. So yeah, I'm gonna see you after filming. And till then, bye. यार मेरी ना excitement खत्म ही नहीं हो रही है मेरे बालों को लेकर. मतलब is that normal कि when you get a haircut after a long, long time, आप excited हो जाते हो? मतलब मेरे लिए it is very unusual. मैं usually haircut नहीं करती हूँ बिकॉज मेरे मॉम डैड को लंबे लंबे बाल काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मुझे बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता है, एंड यूजुअली मैं बाल इतना ज़्यादा काटती नहीं हूँ. तो अब जब मुझे मौका मिला है, बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है, एंड आई कैन नॉट स्टॉप ब्रैगिंग अबाउट इट. एनीवेज, आई होप कि आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा, मेरा हेयर ट्रांसफॉर्मेशन व्लॉग. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई वुड लव टू रीड योर कॉमेंट्स देयर. ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. अगर किसी को घर पर ही बाल काटने का ट्यूटोरियल चाहिए देन यू कैन शेयर दिस वीडियो, बिकॉज इस वीडियो में मैंने मेनली सिर्फ हेयर ट्रांसफॉर्मेशन ही दिखाया और कुछ नहीं दिखाया, एंड कैसे काटते हैं ऑल तरीका.
तो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल. एंड अगर आपने ये वीडियो इतने दूर तक देखा है देन क्लिक द थम्स अप बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन राइट बिसाइड द सब्सक्राइब बटन, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को तुरंत पता चल जाए. एंड आई एम गोना सी यू गाइस लेटर. बाय, आई लव यू ऑल.